हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की व्लॉगिंग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6, तो मैं छत पे आई हूँ और मैं यहाँ पे जो है वॉक करने के लिए आई हूँ। तो मैं पहले वॉक करूँगी, उसके बाद जो है नीचे जो है अभी हस्बैंड को मैंने चाय बनाकर नहीं दी है। और पीछे का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और कबूतरों को जो दाना है वो नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि जो है कबूतरों का दाना जो है वो ख़त्म हो गया है, तो कल लेके आएंगे। और अभी जो है मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नीचे जाती हूँ। तो चलिए, मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे वॉक जो है वो हो चुकी है, तो मैं छत पे कम से कम 15-20 मिनट जो है वो वॉक तो करती ही हूँ। तो नीचे आते ही जो है मैं सबसे पहले जो है पानी गर्म कर रही हूँ हमारे लिए। तो हस्बैंड और मैं जो है दोनों ही मिलकर जो है सुबह उठते ही सबसे पहले जो है गर्म पानी पीते हैं। तो यहाँ पर जो है गर्म पानी पीऊँ, मैंने गर्म पानी जो है वो तो मैंने बॉयल करके जो है लोटे में रख दिया। तो एक तरफ जो है मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, तो यहाँ पर जो है मैं गर्म पानी पीते रहेंगे हम लोग और चाय जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे जो दूध है ना, तो मैं उसमें से जो है मलाई को जो है सुबह ही जो है अलग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मलाई जो है वो नग निकाल दी है और ना, और यहाँ पे चाय जो है वो बॉयल हो चुकी है। मैंने इसमें सब कुछ रख दिया है, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ रख दिया है। तो यहाँ पे जो है मैंने हस्बैंड को जो है चाय बनाकर दे दिया है, मैंने तो पानी पी लिया है। तो यहाँ पे जो है मैं अब कर रही हूँ कपड़ों की फोल्ड। तो यहाँ पे जो है कपड़े जो है ये कल के धुले हुए, कल ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने कल रात को ही लेके आई थी, तो ये मैंने फोल्ड नहीं किए थे। तो मैंने सोचा फटाफट से इनको फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि कल रात को भी जो है ना बच्चा जो है ना पता है क्या कर रहा था, तार लगा कर ना उनमें ये कपड़े डाले जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी भी वो ऐसा ही करेगा, उठ जाएगा, तो फिर यहाँ पे कब तार लगा कर फिर उनको कपड़ों को डालता रहेगा, क्योंकि आज उसके स्कूल की है छुट्टी, तो पूरा दिन इसलिए ऐसा ही करता रहेगा। तो मैंने सोचा सबसे पहला काम जो है फटाफट से इसको कर देती हूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद जो है ना फिर कपड़े जो है ना फोल्ड भी नहीं हो पाते। वो मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ वो उनको फिर वैसे कर देता, बिखेर देता। तो मैंने यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके जो है अलमीरा में रख दिए हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो धोने हैं, तो मैं उनको ले जा रही हूँ बालकनी में धोने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं जो है अलमीरा को साफ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बच्चे ने ना पूरा रोज मतलब डेली यही करता है कि ना वो इस अलमीरा में जो है ना ड्राइंग बनाता रहता है। मैं ना अब उसके लिए ना एक मैं ये सोच रही हूँ कि ना एक ब्लैक बोर्ड आता है काफ़ी बड़ा सा, वो मंगवा दूँ, ताकि वो उसमें ही जो है ना ड्राइंग करता रहे। उसने पूरी दीवार और ये कोई भी चीज़ जो है ना ऐसे नहीं छोड़ी है जिसमें उसने ड्राइंग नहीं करी हो, हर चीज़ में ड्राइंग करने लग जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पे अलमीरा जो है साफ हो चुकी है, तो मैं अब कर रही हूँ पंखे साफ। तो पंखे जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं, तो मैंने अंदर वाले कमरा जो था ना उसका तो पंखा तो मैंने साफ कर दिया था, लेकिन बाहर वाला हॉल का जो है पंखा रह गया था। तो यहाँ पे पहले मैंने सूखे कपड़े से जो है ना उसको पोंछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने ना फिर उसके बाद जो है ना फिर गीले कपड़े से साफ करा मैंने। तो पहले तो मैंने सूखे कपड़े से पोंछा, फिर उसके बाद जो है गीले कपड़े से पोंछा, क्योंकि अगर गीले कपड़े से पहले ही पोंछ देती तो मिट्टी जो है वो फिर दोबारा से वहीं चिपक जाती। तो चलिए जी, मैं इस टेबल पे जो है खड़े होके ही जो है पंखे को ना साफ कर रही थी। तो ये टेबल जो है ना ये दिखने में ऐसी लग रही है बहुत हल्की होगी, लेकिन ये है बहुत भारी। बहुत मेरे को ना इसको ना खसकाने में ही ना ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही भारी है। तो फिर मैंने ना टेबल को भी जो है साइड में रख के उसको साफ कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं जो है जाले साफ कर रही हूँ। तो अंदर वाले कमरे के तो मैं जाले नहीं साफ कर रही हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे बच्चा जो है सोया है तो वो उठ जाएगा, तो उसके ना फिर मैंने सोचा जितना काम होता है ना तब तक फटाफट से कर लेती हूँ, तब तक वो जो है सोया हुआ है। तो बाहर वाले हॉल के जितने भी जाले थे वो मैंने सारे जो है निकाल दिए हैं, क्योंकि ना मैंने लाइट जला के ना जाले जो है ना साफ चमक रहे थे, तो पहले उनको साफ किया। तो चलिए, यहाँ पे जाले साफ करने के बाद मैं जो है जितने भी खिलौने पड़े हैं ना अंदर बाहर, तो मैं उनको जो है उनको उठा रही हूँ, और बच्चा जो है वो अभी तक सोया ही है। तो यहाँ पे अब मैं जो है लगा रही हूँ झाड़ू। पता है क्या करता है बच्चा, ये मूंगफली खाता है ना, तो मूंगफली खाते ही ना छिलकों को ना ऐसे ही रख देता है, और पूरे घर में इसने छिलके ना फैला रखे हैं मूंगफली के। बच्चा और यहाँ पे हस्बैंड भी ऐसा ही करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, मूंगफली खाते रहते और फेंकते रहते, फिर खाते रहते, दोनों ही ऐसा करते हैं। तो फिर ये आपको ना हर जगह मिलेंगे, किचन में भी, कमरे में भी, सब जगह।
झाड़ू तो लग चुकी है, तो यहाँ पे जो है मैं वॉश बेसिन को जो है ये साफ कर रही हूँ। पता है ये वॉश बेसिन ना साफ नहीं होता, इसको कितना भी वो कर लो ये साफ नहीं होता, क्योंकि एक बार ना ये टूट गया था तो हमने ना एक भैया को बुलाकर इसको जो है दोबारा लगवाया था। तो उससे क्या हुआ कि ना इसमें व्हाइट पुट्टी से उन्होंने जो है इसको अच्छे से चिपकाया, मतलब अच्छे से जो है जुड़ा दिया था। तो ये व्हाइट पुट्टी है ना इसमें पूरी लग चुकी है, तो वो निकल ही नहीं रही और वो ना ही अच्छे से साफ हो रही है, पूरी व्हाइट व्हाइट सी होगी। तो इस वजह से उसको कितना भी साफ कर लो तो ऐसा लगता है कि वो गंदी ही है। तो चलिए जी, यहाँ पे जो है मैं ना कपड़े भिगा रही हूँ, तो आज भी जो है वो भी कपड़े धोने हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि कल हस्बैंड के जो है ना कल हस्बैंड की छुट्टी है, आज तो बच्चे की छुट्टी है, तो यहाँ पे जो है आज कुछ कपड़े जो हैं बच्चे के स्कूल के भी हैं, बैग वगैरह जो है मैंने सारे जो है धोने के लिए रख दिए हैं। तो कल हस्बैंड के कपड़े होंगे ना उनके ऑफिस के, तो कल उनकी भी छुट्टी है तो कल उनको धो दूंगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो भिगा दिए हैं, तो यहाँ पे मैं अब लगाती हूँ फटाफट से पोछा। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अभी तक सो रहा है, वो उठा ही नहीं, क्योंकि कल रात को ना वो ना पता है क्या हुआ कि ना बहुत लेट सोया था, तो इस वजह से वो थक गया है ना, तो इसलिए वो आज ना मैंने उठ भी नहीं रहा और मैं उसको उठा भी नहीं रही हूँ। मैंने सोचा उसकी स्कूल की छुट्टी है, आज उसको सोने देती हूँ। तो चलिए, हम मैं कर रही हूँ बालकनी को साफ। तो यहाँ पे कबूतरों ने ना आज बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल कर दिया, तो इस वजह से मुझे बालकनी जो है पहले ही साफ करनी पड़ी। तो वरना मैं सोच रही थी कि जब मैं कपड़े धोंगी तो वरना मैं तब करूँगी, फिर मैंने सोचा कि बच्चा जो है ना वो बार बार उठ जाएगा तो वो यहाँ अंदर बाहर करेगा तो पूरे घर में जो है फिर गंदा हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सारा काम जो है फिनिश हो चुका है, मैं यहाँ नहा के भी आ चुकी हूँ और बच्चा जो है वो भी उठ चुका है। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग की अब कर रही हूँ पूजा। तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, तो बच्चा जो है मुझे बुला रहा है, मुझे इसलिए बुला रहा है क्योंकि उसको जो है ना धूप बत्ती चाहिए, तो इसीलिए वो मुझे बार बार बुलाया जा रहा। तो मैंने उसको बोला नहीं आप धूप बत्ती मत लो। तो यहाँ तो चलिए, पूजा तो हो चुकी है, तो मैं यहाँ बाहर तुलसी में जो है वहाँ पे भी जो है जल चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे तुलसी में भी जल चढ़ा दूंगी और सारे जितने भी पौधे हैं ना उन सबको जो है जल दे दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बस यहाँ पे जो है हस्बैंड को जो था जल्दी जाना था, उनको जो है ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो यहाँ पे रात को ही मैंने आलू और परमल की जो थी वो सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदा और फटाफट से जो है मैं रोटी बनाऊंगी। तो चलिए जी, यहाँ पे हस्बैंड जो है वो तो ऑफिस जा चुके हैं, मैंने किचन का जो है ना सारा काम कर लिया, मैंने सफाई कर लिया, तो मैं उसका वीडियो शूट करना जो है ना वो भूल गई थी, तो इस वजह से मैं वहाँ पे जो है वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अब मैं जो है कपड़े धो रही हूँ, कपड़े जो है, और बच्चा जो है ना वो भी मेरे साथ ही आ गया कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे धूप भी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज की हो रही है, तो यहाँ पे टाइम भी जो है वो भी ज़्यादा ही हो गया, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं जो है बच्चे को यहाँ पे नहला भी दूंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने आप खेलता रहता है। तो चलिए जी, यहाँ पे कपड़े जो है मैंने धो दिए हैं सारे, मैंने उनको सुखाने के लिए भी डाल दिया है। फ्रेंड्स, मेरा सारा काम तो फिनिश हो गया है और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाए। बाय फ्रेंड्स, स्वस्थ रहना, खुश रहना और ऐसे ही मुस्कुराते रहना।